जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ अखिलेश दीक्षित कोटा राजस्थान से। दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं आप जिनकी मेरे को क्वेरी आ रही थी कि भाई सर कोटा में एजुकेशन लोन के थ्रू हम कोचिंग कर सकते हैं क्या। तो भाई क्योंकि देखो अभी कोविड का टाइम चल रहा है और पेरेंट्स जो है वो एक साथ में पूरी पेमेंट जमा नहीं करा सकते। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो जनरली भी नहीं करा सकते। तो ऐसे में मैं अभी रेजिडेंस में आया हूँ और हम सर से जानते हैं कि भाई एजुकेशन लोन मिल सकता है क्या कोटा में आने के दौरान, क्या प्रोसेस रहता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या चाहिए। अगर आप कोटा में आ रहे हैं तो उस टाइम पे आपको ये कैरी करके लेके आने पड़ेंगे जो सर बता रहे हैं। ठीक है, तो हम सर से पूछते हैं, सर क्या प्रोसेस होता है लोन का और लोन अवेलेबल है क्या स्टूडेंट्स के लिए? सर जितने भी जो स्टूडेंट आते हैं हमारे यहाँ उनके लिए लोन अवेलेबल है और जो उनकी फ़ीस है जितनी भी एक्चुअल फ़ीस उनकी बन रही है टोटल फ़ीस उस पर हमारी EMI बन जाती है। उस पर कोई हिडन चार्ज नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट चार्ज नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज हम नहीं लेते उनसे। 0% इंटरेस्ट पर उनका हम जो भी फीस होती है वो पे करते हैं उनको और मंथली इंस्टॉलमेंट बना देते हैं उनकी। इसके लिए सर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हम। तो सर का कहना है एक्स्ट्रा चार्ज कुछ भी नहीं होता, जो कोचिंग की फीस रहती है सेम वही रहती है। सर मैं जानना चाहता हूँ कि प्रोसेस क्या रहता है, यहाँ पर आएंगे स्टूडेंट्स तो किस क्या प्रोसेस करना पड़ेगा आपको? सर हर कोचिंग का, हमारी जो कंपनी पोपेल्ड उसका हर कोचिंग के अंदर अलग अलग एक तरह का EMI का प्रोसेस है। लेकिन अगर आप रेजिडेंस में आती है तो हमारे यहाँ 9th EMI का प्रोसेस है। इसमें से 3 आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, बाकी 6 EMI आपको मंथली आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाएगी। सर तो सर मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि एक सिंपली स्टूडेंट्स के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लीजिए 1,00,000 रुपये जनरली फीस रहती है तो 1,00,000 रुपये में कितना अमाउंट उनको स्टार्टिंग में लाना पड़ेगा और कितना अमाउंट की आप किस्तें कर देंगे, कितने महीने की रहेगी? जैसे वो 1,00,000 रुपये की आपकी जो फीस बनी है तो उसमें ये रहेगा कि 9th EMI बनेगी आपकी, इसमें से 3 EMI आपकी डाउन पेमेंट चली जाएगी और 11,000 समथिंग की आपकी 6 मंथ की EMI बन जाएगी जो आपको हर महीने आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट कट जाएगी। उसके लिए आपको बार बार इंस्टीट्यूट में आने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे ही आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी कि वहीं से आपके अकाउंट में ऑटो डेबिट ये फीस आपकी वहीं से नए ऑटो डेबिट कट जाएगी। सर सर दूसरी बात ये जानना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं या गार्जियन उनके साथ में आएंगे तो उनको डॉक्यूमेंट्स क्या लाने पड़ेंगे लोन के लिए? हाँ सर, इसमें कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें जो भी गार्जियन साथ आ रहा है तो उसका एक पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और बैंक स्टेटमेंट चाहिए और उसमें 3 मंथ का स्टेटमेंट अगर हो तो वो जरूरी रिक्वायरमेंट है। ये सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है सर हमें। सर जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर आता है तो सेम डे क्या लोन अवेलेबल हो जाता है? हाँ सर, सेम डे हमारा ये प्रोसेस 20 से 25 मिनट का होता है, इसमें आपका लोन अप्रूव हो जाता है 20 से 25 मिनट के अंदर। तो भैया एजुकेशन लोन का यही है कि भैया जैसे सर ने बताया कि 9 मंथ की आपकी इंस्टॉलमेंट होगी, ठीक है, अब उसमें से 3 महीने का आपको पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा और 6 महीने का आपको किस्तें बन जाएगी, इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। आप LN में भी जाकर करवा सकते हैं, मोशन में भी जाकर करवा सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ जाकर भी इजीली आपको लोन अवेलेबल हो जाएगा। बाकी और भी कोचिंग्स में ये सुविधा मिल जाएगी आपको, फ्री ऑफ इंटरेस्ट है, आपकी जितनी फीस है सिर्फ उतना ही आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है, ऑटो डेबिट हो जाएगा आपके पेरेंट्स का अकाउंट से जो भी आप यहाँ पर अकाउंट डिटेल देंगे। सर ने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए दिए तो आप कोटा आएँ तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स साथ में लेकर आएँ, ठीक है। तो यही है, मैं आपके इनके सर के नंबर दे देता हूँ नीचे, बाकी LN के, मोशन के, रेजिडेंस के, मैं सारे नंबर यहाँ पर आपको शो कर दे रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या है आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बाकी ये हमारे नंबर भी है तो इसमें भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर मान लो इनसे कॉन्टैक्ट नहीं होता है तो हम इनसे कॉन्टैक्ट आपको करवा देंगे, उससे वहाँ से भी आप इनसे जानकारी ले सकते हैं कि भाई सर क्या लाना पड़ेगा क्या नहीं लाना पड़ेगा। LN में अगर आपको एडमिशन लेना है, मोशन में लेना है, रेजिडेंस में लेना है तो ये नंबर मैंने दिए हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि भाई क्या क्या प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।